हेलो फ्रेंड्स, mysurgery.com के इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप में से ज़्यादातर लोग हैदराबाद के नहीं, आप लोग कहाँ से आए? आप लोग हैदराबाद के, सो दीज आर द टू फर्स्ट गाइज जो हैदराबाद से हैं, अदरवाइज एवरीवन एल्स आर फ्रॉम समवेयर एल्स लाइक यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, पूरे इंडिया से लोग आते हैं और हैदराबाद में आके बैठ के पढ़ते हैं और सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है कि हमारा करियर बन जाए, राइट? अच्छा, अब करियर बनाने में ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आज हम लोग पहले तो एक क्विक सेमिनार करते हैं। तो आज जो मैं सेमिनार आप लोगों के लिए ले रहा हूँ उसका टाइटल है लर्निंग पाथ फॉर 5 मोस्ट प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस। सी, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना है तो आपके पास एन नंबर ऑफ चॉइसेस। लेकिन जैसे आज आप नाम सुनते हो मशीन लर्निंग, है ना, एकदम से नाम पॉपअप हो गया और आधी जनता सोचने लगी कि मुझे मशीन लर्निंग में अपना करियर बनाना है। डेटा साइंस हमने नाम सुना तो हम डेटा साइंस की तरफ चले गए। ऐसे करके क्या होता है, हर साल कुछ नए करियर ऑप्शंस पॉपअप होते हैं और हम इससे डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, थोड़ा सा डेविएट भी हो जाते हैं, कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि अबे करना क्या है, दुनिया किस तरफ जा रही है, और ऐसा लगने लगता है कि सारी जॉब खत्म, सिर्फ मशीन लर्निंग में जॉब आने वाली, सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग में जॉब आने, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक की बात होती है ना, बेसिक्स जो हमें करने होते हैं वो हम मिस कर जाते हैं, हम लोग गलत ट्रैक पे जाने लगते हैं। तो हमें एक एलिमेंट्री लेवल पहले अचीव करना होता है और फिर कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो हमेशा से पॉपुलर हैं। 5 साल पहले भी अगर बात करूँ तो वो उतने ही पॉपुलर थे जितने आज पॉपुलर हैं, उन पे इतना ही काम होता है। तो मैं ऐसे 5 करियर ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ जो जिनसे आप जल्दी कनेक्ट हो गए, जो हाइपोथेटिकल नहीं लगेंगे, जो ऐसे नहीं लगेंगे कि यार सुनने में तो अच्छा लग रहा है पर करें कैसे, ये ऐसे ऑप्शंस नहीं होंगे, ये फीजिबल है, मैनेजेबल है, आप सब कर सकते हो। तो हम लोग इन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो हमारा एजेंडा है, सबसे पहले ये सेमिनार वाला पोर्शन आएगा, उसके बाद फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो आपके जॉब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रोफाइल, आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, लाइक आपको चाहे जॉब लग भी जाए तो भी आपको उसमें ग्रोथ चाहिए होती है, उसके लिए भी ज़रूरी है, और जॉब नहीं लगी है तब तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना प्रोफाइल को अच्छा बिल्ड करें। और ये कोई वन डे प्रोसेस नहीं होती है, ये लगातार आपको करने पड़ती है। जैसे हम बचपन से क्लासेस के रिजल्ट्स, जो हमारे स्कूल में रिजल्ट्स आते थे, हम हो सकता था उस समय उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो, लेकिन आज हमको रियलाइज़ होता है, नहीं यार 10th के परसेंटेज भी कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं, आज 12th के परसेंटेज प्रॉब्लम कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के परसेंटेज प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि कई बार हम लोग कोई कंपनी का प्लेसमेंट पेपर दे रहे होते हैं, उसमें एप्टीट्यूड आ जाता है, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, हमें लगता है कि यार वो तो 8th, 9th, 10th में पढ़ा हुआ था हमने उस समय ध्यान नहीं दिया था, आज देखो कितना काम आ रहा है। तो आप आज उन चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हो जो शायद आपके बड़े होते तक अपने आप आपके अंदर आ जाना था, क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम में तो वो था ऑलरेडी, लेकिन हमने उसको मिस कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज जो आप प्रोफाइल बिल्डिंग करोगे, क्योंकि अब आप जो कर रहे हो वो सोच समझ के कर रहे हो, आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो, स्कूल टाइम में शायद हमको इतना नहीं था लेकिन अभी हमको क्लियर है। तो हम जब अपनी प्रोफाइल की बिल्डिंग करें, आज जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको शामिल करना है सो दैट हमारी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, देन mysurgery के बारे में, और उसके बाद फिर ओपन हाउस। सो दीज आर द 5 करियर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज ऑलरेडी ऑब्वियसली डिबेटेबल कि और भी करियर ऑप्शन हो सकते हैं, कई इससे भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ ये बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं, और आप हर एक कोई रिलेट कर सकता है कि किसी एक को आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन सर्विस बेस्ड कंपनी, और फिर सेकंड वाला है इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सर्विस बेस्ड कंपनी क्या है एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या है, दोनों का काम करने का तरीका कैसा है। तो ये दोनों तरह की कंपनीज में जाने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एफर्ट्स भी लगेंगे, ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनीज में जॉब ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब, नंबर ऑफ जॉब्स कंपेरेटिवली कम होंगी, लेकिन जॉब का रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, अलग लेवल पे हो जाता है। अच्छा या बुरा से यहाँ मतलब नहीं है, ठीक है।
सर्विस बेस्ड कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं, और दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन दोनों में जाने के लिए आपकी प्रोफाइल अलग अलग तरह की होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। फिर वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, और वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, और ये दोनों रिलेटेड होते हुए भी दो अलग अलग फील्ड्स हैं। इसके बाद हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, ये एक अलग सेक्टर है और ये बहुत बड़ा सेक्टर है। आज आपको मालूम है, मतलब मैं YouTube के स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि मेरे वीडियोस कितने लोग देखते हैं और जो लोग देखते हैं वो किस डिवाइस से देखते हैं, तो मोर देन 85% मोबाइल के थ्रू वीडियोस देख रहे होते हैं। अब आप सोच के देखो ये मार्केट कैसा हो चुका है। एक समय था जब लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ही इंटरनेट को ज़्यादा एक्सेस किया जाता था, लेकिन आज के डेट में मोबाइल पे एक्सेस किया जा रहा है। और आज अगर आप देखो तो मोबाइल पे ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं, ढेर सारी एप्लीकेशन, हर दिन कई सारी एप्लीकेशंस पॉपअप हो जाती हैं, मार्केट में आ जाती हैं, एंड दे आर रियली यूजफुल, मतलब बहुत सारी उसमें बहुत यूजफुल हैं और कमाल का बिजनेस कर रही हैं। तो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है आगे आने वाले समय में, बिकॉज मोबाइल के बारे में एक बात बोली जाती है कि ये वो चीज़ें जो आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं। हो सकता है आप कंप्यूटर अपने साथ हमेशा कैरी ना करो, लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कैरी करो। तो सोच के देखो ये कितना प्रॉमिसिंग सेक्टर है। तो इन पांच सेक्टर्स में से अगर आप किसी में जाना चाहते हैं तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनना चाहते हैं इन सर्विस बेस्ड कंपनी। देखो कई लोगों को एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है, खासतौर पर वो लोग जो कंप्यूटर्स बैकग्राउंड से नहीं होते, या फिर कंप्यूटर्स बैकग्राउंड से तो हैं, उन्होंने BCA किया है, BSc कंप्यूटर्स किया है या BTech किया है, लेकिन कॉलेज के दौरान बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करा नहीं है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो एक समय जब उनको जॉब की जल्दी होती है तो उन्हें ये लगता है कि मैं सिर्फ एक चीज़ कर लूँ और मेरा जॉब लग जाए, लाइक मैं जावा कर लूँ और बस मेरा जावा में जॉब लग जाए, या मैं पाइथन कर लूँ मेरा पाइथन में जॉब लग जाए। होता ये कि हम फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, हम लोग C++ जैसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, डेटा स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देते, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब आप कॉलेज में होते हैं और कॉलेज में कैंपस आता है, ठीक है, लाइक TCS आ रही है, विप्रो आ रही है, ये कंपनीज आ रही हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि सो कॉल्ड कम नॉलेज वाले स्टूडेंट्स का भी प्लेसमेंट हो जा रहा है। लेकिन अगर आपका कॉलेज के थ्रू कैंपस नहीं हुआ है तो बाद में उन्हीं कंपनीज में जाने में आपको थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, थोड़ा ज़्यादा वो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं आपसे, ये एक चैलेंज आ जाता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, चाहे आपने कॉलेज से जॉब हासिल की हो या ना की हो, C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये एक ऐसी बेसिक लेयर है जो हर एक को करना ही करना है। इनफैक्ट जो पांचों सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उनमें से किसी भी सेक्टर में अगर आपको जाना है तो ये C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये सबको करना है। अगर आप बोलते हो कि इस पे टाइम जाएगा, अभी हमें ज़्यादा दूसरी जगह फोकस करना है, नो डियर, ये टाइम नहीं जाएगा, ये आपका बेस बनाएगा। जो आप पढ़ रहे होगे जावा या .NET या जो भी, वो चीज़ भी आपकी तब तगड़ी होगी जब आप इस लेयर को क्रॉस करोगे। एंड अभी मैंने एक वीडियो पे देखा, लोगों ने कमेंट किया कि सर C++ तो हमको आ गई है, वो तो हमने कर लिया, ठीक है, तो आप इससे क्या समझते हैं, मतलब आपने सी कर ली, C++, आप क्या सोच रहे हो, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है, इसको आप सोच रहे हो कि आपको आता है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। आपको उसका एप्लीकेशन सही से आना चाहिए। जब प्रोग्रामिंग की बात आ रही है तो हम प्रोग्राम नहीं बना पा रहे, तो फिर आप मत बोलो कि आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं, बिकॉज उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको फॉर लूप आता है, सिंटेक्स आता है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो प्रोग्रामिंग में, तो उसका क्या मतलब, बताइए। तो उस लेवल पे आना चाहिए जहां पर आप अप्लाई कर सके। फिर क्योंकि हम सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा बेसिक हमें सबका आना चाहिए, लाइक हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आना चाहिए, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आना चाहिए, हमें नेटवर्किंग भी आना चाहिए, और किसी में भी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक सर्फेस लेवल पर जो बेसिक इन्ग्रीडियंट्स होंगे इन कोर्सेज में वो आपको करना जरूरी है। इसके बाद ये जो कंपनीज देख रही हैं, मतलब ठीक है आपका बेसिक हो गया, C++ डेटा स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद अब आप सर्विस बेस्ड कंपनीज का देखें तो ज़्यादातर ये किस पर काम कर रही हैं, या तो जावा में काम कर रही हैं, या .NET टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, या PHP पे काम कर रही हैं, ठीक है, या पाइथन पे काम कर रही हैं। ये वो कहना चाहिए पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जिन पर सर्विस बेस्ड कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है। मैं मास की बात कर रहा हूँ, कुछ कंपनीज कुछ अलग अलग और भी नई टेक्नोलॉजी लैंग्वेजेस पे काम कर रही होंगी,
लेकिन अगर आपने इनमें से कुछ सीखा या दो सीख लिए अच्छे से, तो आपका सर्विस बेस्ड कंपनी में जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मैंने से जावा, इट इज़ नॉट जस्ट कोर जावा, आपको जर्नी को उसमें आगे लेके जाना पड़ेगा। आप अगर जावा कर रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं, तो फिर आप उसका एडवांस वर्जन भी करें, ताकि आप सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस भी बना सकें, वेबसाइट्स बना सकें, या मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकें, ठीक है। या आप पाइथन में भी जा रहे हैं, तो पाइथन में भी एक कोर पाइथन होता है और फिर एडवांस पाइथन में ढेर सारे कोर्सेज होते हैं। हमें उनमें से कुछ करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी में हम काम कर पाएंगे उसको लेके। तो उसकी जर्नी कैसी रहती है कि जैसे आप जावा कर रहे हैं, कोर जावा कर रहे हैं, एडवांस जावा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फ्रेमवर्क भी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग इस तरफ ऑलरेडी जा रहे होंगे। लेकिन इन सब के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके रास्ते को आसान बनाएगा, वो है प्रोजेक्ट वर्क। लोग इसकी इंपॉर्टेंस को कम समझते हैं, कॉलेज लाइफ में कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट को सबमिट कर देते हैं, है ना। ऐसा बहुत देखा होगा आप लोगों ने, बस कॉपी किया और सबमिट कर दिया, नेट से डाउनलोड किया और सबमिट कर दिया। ये हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क करा, एक प्रोजेक्ट खुद से बनाया, चाहे कैसा भी बनाया हो, कैसा भी बनाया हो, डमी प्रोजेक्ट हो, पर खुद से बनाया होगा, आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा कि मुझे एक और प्रोजेक्ट बनाना है, अब इससे थोड़ा और बेहतर करना। हम एक भी प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आप इसमें कोई एक्सक्यूज मत दो कि अभी तो मैं पढ़ रहा हूं। नहीं, देखो आप सब पढ़ चुके हो, आप यहां पर रिवाइज कर रहे हो चीजों को, जिनको ठीक से नहीं पढ़ा था उनको कर रहे हो। लेकिन आप टाइम वेस्ट मत करो, आपके पास टाइम है तो प्रोजेक्ट्स बनाओ और अपने रिज्यूम में ऐड करो उन प्रोजेक्ट्स को, एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, तीन प्रोजेक्ट। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मतलब आई मेट अ पर्सन इज अ पायनियर एक्चुअली, जिसने 97 लाइव प्रोजेक्ट्स अपने कॉलेज के दौरान करे थे। 97 लाइव प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ देम वर लाइव प्रोजेक्ट, ठीक है। गगन बिंद्रा उसका नाम था और वो कमाल का बंदा था। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो इट्स पॉसिबल यार, स्टूडेंट लाइफ में मैं कह रहा हूँ 97 नहीं कर पाओ, दो बना लो, तीन बना लो, पर बनाना है अपने को। फिर एकेडमिक्स पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी कॉलेज में हैं, जो लोग कॉलेज हो चुका है अब वो इसका कुछ खास कर नहीं सकते, लेकिन जो लोग कॉलेज में हैं वो लोग अपने एकेडमिक्स पे भी ध्यान दें, बिकॉज सर्विस बेस्ड कंपनीज जो है ना, फिल्ट्रेशन लगाती हैं कई बार कि 60% होना चाहिए, है ना, इतना परसेंट आपका होना चाहिए। तो वो जो फिल्ट्रेशन है, अगर आपके पास ये चांस, हो सकता है आपके पास नहीं पर आपके छोटे भाई बहनों के पास अभी मौका हो, तो आप उनको ये मैसेज कन्वे कर सकते हो कि सर्विस बेस्ड कंपनी जिसमें ज्यादा जॉब्स हैं, ज्यादातर जॉब्स हैं, मतलब आईटी सेक्टर में अगर बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं ना, तो उसमें से कुछ नहीं तो भी 80% लोग होंगे जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में, ठीक है। तो इसीलिए एकेडमिक्स पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई 40% वाला है वो 80% वाले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें फिल्ट्रेशन लगाना है, और फिल्ट्रेशन लगाना है इसलिए आपको अपने एकेडमिक्स को अच्छा रखना जरूरी है। हो सकता है आपको नॉलेज ज्यादा हो लेकिन एकेडमिक्स पुअर हो सकता है, लेकिन आप अपनी जो पीछे की जनरेशन है, जो आपसे छोटे हैं, उन लोगों को आप ये मैसेज जरूर कन्वे करें कि वो एकेडमिक्स पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये जॉब्स हैं मास्टर्स के लिए, ठीक है। इसके बारे में स्पेसिफिकली कोई डाउट रहे तो ओपन हाउस सेशन में आप लोग पूछ लेना। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, लाइक हम गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, है ना, एडोबी की बात करें, जो भी अमेज़न की बात करें, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो आपसे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छी होनी चाहिए।